तो कैसे हैं आप सब, होपफुली सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, अभी मेरे को सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी आज का टॉपिक है मटेरियल, स्केचिंग मटेरियल्स, जो स्केच कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अभी करना शुरू किया है उनके लिए होपफुली ये वीडियो काम में आ जाएगी। तो मटेरियल्स के ऊपर है, शुरू करते हैं फिर और चलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मटेरियल्स हैं जो कि मैं अपने स्केचेस में यूज़ करती हूँ, और जो बिगनर्स हैं या मीडियम उस पर भी हैं जो स्केचिंग करते हैं, जिनको ज़्यादा मटेरियल्स का पता नहीं है, वो लोग भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मटीरियल है। पहले मैं आपको अपनी पेंसिल्स दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें। तो ये पेंसिल्स हैं मेरे पास, ये दो पेंसिल्स जो हैं वो 4B और 6B की हैं, जो कि अप्सरा की पेंसिल्स हैं मेरे पास। ये मेरे पास नटराज की है HB पेंसिल, अभी यही है मेरे पास, बाकी और खो गई हैं, HB पेंसिल है। ये कैमलिन की पेंसिल है मेरे पास 8B की। ये आर्ट लाइन की पेंसिल है मेरे पास 10B, जो सबसे डार्केस्ट होता है। ये आजकल काफ़ी आर्टिस्ट ये वाली पेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अफोर्डेबल भी है, और वैसे तो स्टेडलर्स की भी इससे अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो स्टेडलर की पेंसिल होती हैं। तो ये पेंसिल्स हैं मेरे पास, और ये कुछ 4-5 पेंसिल्स और उनके शेड्स ऐसे हैं जो हर कोई आर्टिस्ट अपने स्केचिंग में यूज़ करता ही। बस मेरे ब्रांड्स अलग अलग हैं, पर शेड्स यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये मेरी पेंसिल्स हो गई। अब बात करते हैं इरेजर्स की। ये दो इरेजर हैं मेरे पास, ये है मेरे पास स्केच इरेजर पेंसिल है ये मेरे पास, जो बहुत अच्छा फाइन हाइलाइट्स देने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और बस इसकी यही एक थोड़ा सा लॉस ये है कि इसकी लिड जैसे होती है पेंसिल की, घिस जाती है, वैसे ही ये थोड़ा सा इरेजर घिस जाता है। जैसे अगर आपको बहुत फाइन देनी है इस तरीके से हो जाता है, जैसे आपको बहुत फाइन देना है स्ट्रोक्स हाइलाइट्स, तो उसके लिए थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है ये। वैसे तो बहुत अच्छा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करना है, थोड़ा डिटेलिंग में जाना है तो ये बेस्ट है। अगर थोड़ा और डिटेलिंग में जाना है आपको, इससे भी फाइन इरेजर चाहिए, तो एक आता है टॉमबॉय मोनो इरेजर 0, तो उससे आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये है नॉर्मल इरेजर जो कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे अच्छे से मिल जाता है। तो एक हाँ, ये मेरे पास पेंसिल मैंने अभी ली है, बहुत ही यूज़फुल पेंसिल है, स्टेडलर की पेंसिल है, और ये लेड भी इसकी स्टेडलर की ही है। इसकी लिड की जो लिड जो है वो मेरे पास है 0.5 की, और जो इसका शेड है वो है 2H। तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी मैं एक दो दिन पहले स्केच कर रही थी, तो मुझे फिर एक प्रॉब्लम नज़र आई चीज़ों में, कि ये ज़रूरी इसलिए लगी मुझे क्योंकि जैसे हम हाइलाइट्स वो आउटलाइंस करते हैं, तो हम जब नॉर्मल पेंसिल से करते हैं तो हमारे जो आउटलाइंस है वो थोड़ा मोटे मोटे बन जाते हैं, और जो डिटेलिंग करना होता है जैसे हमारा हो गया वाटर लाइन वगैरह आइस की, और छोटे छोटे पार्ट्स जिसमें हमें और लाइट में जाना होता है, तो वो चीज़ें हम नॉर्मल पेंसिल से नहीं बना सकते, मैकेनिकल पेंसिल मस्ट हो जाती है उस समय। तो ये थोड़ी लाइट, बहुत लाइट भी होती है, आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बहुत ही आराम से इसको चलाओ पेंसिल को, और शेडिंग भी धीरे धीरे हल्की हल्की शेडिंग देनी है तो वो भी इससे हो जाती है। तो ये बहुत काम आसान कर देती है, आपको बार बार ही शार्प करने की ज़रूरत नहीं है पेंसिल, नहीं तो दूसरी पेंसिल्स में शार्प करना पड़ता है बार बार, कब तक आप शार्प करते रहोगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये थोड़ा यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है एक्चुअली अगर आप डिटेल वर्क करते हैं तो। अब आ जाते हैं हम शेडिंग पे। ये मेरे पास ब्रश है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है, कम फ्लफ़ी है, तो आपको जो भी ब्रश लेना हो थोड़ा फ्लफ़ी हो, और एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, एकदम राउंड नहीं होना चाहिए, जैसा इसका शेप आपको
नज़र आ रहा है वैसे ही शेप आपके पास होना चाहिए। और फ्लफी होता है तो अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग हो जाती है। और सेकेंड चीज़ पे आते हैं हम, ये कॉटन बर्ड्स, कॉटन बर्ड से भी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, छोटे छोटे कॉर्नर्स पे आप अच्छा ब्लेंड कर सकते हो। और थर्ड है मेरे पास ये टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर से भी आप अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, अच्छा आप ब्लेंड कर सकते हो। जो बिगनर्स हैं वो यही सब चीज़ें यूज़ करें तो अफोर्डेबल भी रहता है, घर में आराम से मिल भी जाता है और अच्छे से यूज़ कर पाते हैं उसको। एक पेपर स्टैम्प भी होता है, वो पेपर का होता है, थोड़ा शार्प होती है, उसकी एज पेंसिल की तरह लुक होता है उसका थोड़ा, तो जो छोटे छोटे कॉर्नर्स पर वो यूज़ हो जाता है। ये पेंसिल जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत यूज़फुल है, मेरे को बहुत अच्छी लगी है, इसका बहुत अच्छा काम है इसका। मेरे हिसाब से सबके पास ये पेंसिल तो होनी ही चाहिए क्योंकि सबसे लाइटेस्ट आपको मिल जाता है और सबसे शार्प आपको शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यही थी मेरी कुछ मटेरियल्स, होपफुली आपको ये सब काम में आए और आपको यूज़फुल लगी हो ये वीडियो। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।